हेलो एवरीवन, हिनुमान होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप BHMS, और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि होम्योपैथिक दवा को कब दोहराना है, यानी कि कब आपको एक होम्योपैथिक दवा को रिपीट करना है। सुबह आपने एक होम्योपैथिक दवा ली है तो कितनी देर बाद उसको लेना है, कितने देर का उसमें गैप रखना है, स्पेस रखना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अलग अलग डॉक्टर्स का अलग अलग मत होता है, एक अलग डॉक्टर और एक दूसरा डॉक्टर होता है, उसकी प्रैक्टिस में भी फर्क आ जाता है, तो सबके में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। लेकिन मैं जो ऑथेंटिक वे है, जो होम्योपैथी में बताया गया है, जो होम्योपैथी के फाउंडर थे यानी कि जनक थे, डॉक्टर हैनिमन थे, उन्होंने जो बताया है होम्योपैथी के अनुसार जो सही है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही रहेगा। देखिए, जब आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन को लेने के बाद उसका एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, यानी कि कितनी देर तक वो हमारी बॉडी पर असर कर सकती है। यानी कि आज आपने एक होम्योपैथिक मेडिसिन को लिया, हो सकता है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, यानी कि कब तक वो उसका असर हमारी बॉडी पर रहता है, वो 2 दिन भी हो सकता है, 8 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, यानी यहाँ तक कि 50 दिन तक भी उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो सकता है। तो जब तक उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चलता रहता है तब तक उस दवा को हम रिपीट नहीं कर सकते। अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की अलग अलग मेडिसिन यहाँ पर होती हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एल्बम, सल्फर, सबका जो है अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहाँ पर होता है। तो एक बार आपने होम्योपैथिक दवा ली, सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो एकदम सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि जो पेशेंट में लक्षण आ रहे हैं और जो हमारी मेडिसिन है, उन दोनों के लक्षण आपस में एकदम मैच करने चाहिए। एकदम जो सही दवा होगी वही जो है सही तरीके से पेशेंट पर असर करेगी, और लंबे समय तक हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, यानी कि 30 दिन तक या फिर 20 दिन तक हमें इंतज़ार करना होगा एक रेमेडी यानी कि एक जो है मेडिसिन की डोज देने के बाद। तब तक उसे हमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उस रेमेडी को रिपीट कर देंगे तो जो हमारी ठीक तरीके से क्योर हो रही है उसमें बाधा आ जाएगी। जब हमने एक बार होम्योपैथिक दवा दे दी है तो वो अपना काम 40 दिन तक पूरे तरीके से सही तरीके से करेगी। अगर हमने उसके बीच में एक होम्योपैथिक दवा प्रेस्क्राइब कर दी या फिर अन्य दूसरी दवा हमने प्रेस्क्राइब कर दी तो सिम्टम्स जो है, पेशेंट के जो लक्षण है, वो ठीक तरीके से हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, और जो मेडिसिन के लक्षण है वो पेशेंट में आने लगेंगे। इस तरीके से जो ड्रग की पिक्चर है या फिर जो हमारी डिजीज की पिक्चर है वो ठीक तरीके से एक फिजिशियन के सामने, एक डॉक्टर के सामने नहीं आ पाएगी, तो पेशेंट की क्योर वहां पर ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। अब इस एक होम्योपैथिक दवा को देने के क्या क्या फायदे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक होम्योपैथिक दवा देते हैं और वेट करते हैं 40 दिन तक, तो एक तो उस रेमेडी का जितना भी एक्शन होगा, उस दवा का जितना भी एक्शन होगा, जितना वो हमारी बॉडी में कर सकती है उतना कर देगी, जितना अच्छा वो कर सकती है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना उसका एक्शन जो है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा 40 दिन में। अब दवा को रिपीट करने की उसके बाद जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं, एक नई केस टेकिंग होगी, उसके बाद नए सिरे से जो नए लक्षण वहाँ पर आ रहे हैं या फिर पुराने लक्षण देखने को दोबारा मिल रहे हैं पेशेंट के, उसके आधार पर जो है दूसरी दवा दी जाएगी। हो सकता है जो पहले दवा दी हो वही दूसरी बार दवा भी दी जा सकती है। मान लीजिए कि 10 दिन जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उस दवा का, या फिर 20 दिन है, 20 से 30 दिन जनरली 5 से 10 दिन का अंतर देखा जाता है, क्योंकि अलग अलग पर्सन में किसी में जल्दी भी ठीक हो सकता है और किसी में वो देर में जो है पेशेंट के लक्षण दोबारा आ सकते हैं। अब यहाँ पर पेशेंट जो पुराने लक्षण है वो धीरे धीरे आने लगते हैं, जैसे कि जो शुरुआत में पेशेंट सफर कर रहा था जिस बीमारी से, उसके जो है लक्षण दोबारा आने लगते हैं, लेकिन हल्के से कम इंटेंसिटी में वो लक्षण आते हैं। अब जब ये लक्षण आते हैं तो इसका मतलब हमने दवा जो है वो एकदम हमारी फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में एकदम सही तरीके से दी गई है। अब जो है हम जो नए सिरे से केस टेकिंग करेंगे उसके आधार पर हम देखेंगे, या तो पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो एग्रेवेट करेंगे यानी कि उनमें बढ़ोतरी होगी, तो उसी आधार पर हम उसको एंटीडोट करेंगे, नई मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे या फिर उसी मेडिसिन को सेलेक्ट किया जाता है। ये जो है मैंने आपको होम्योपैथी के जो जनक हैं डॉक्टर हैनिमन, उन्होंने जो बताया है, एक जो क्लासिकल होम्योपैथी होती है उसके अनुसार जो है बताया गया है, और मैं भी इस मेथड को एकदम सही मानता हूँ। तो ये जो है ऑथेंटिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का मेथड है कि कब आपको एक दूसरे होम्योपैथिक मेडिसिन को वहाँ पर रिपीट करना है, ये एक सही होम्योपैथिक मेथड होगा। बहुत से होम्योपैथिक फिजिशियन जो है इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं कि एक नई वीडियो में। थैंक यू।